मैं निश्चित तौर पर लोगों से निवेदन करूंगा, यहाँ के जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि अभी कोरोना पूरा तरह से समाप्त नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर मुंगेली ज़िला कोरोना मुक्त तो है, अभी कोरोना के केस नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो रेयर बहुत ना के बराबर है, लेकिन उसको फाइनल समाप्त हो गया ना मान करके जो कोरोना गाइडलाइन है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है और लोगों से डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, उनको पालन करते हुए सारे फेस्टिवल मनाएं पर सावधानी रखें। लापरवाह प्रधान पाठक और महिला स्व सहायता समूह के गद्दार सदस्यों की वजह से भोले भाले प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सही तरीके से पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं हो पा रहा, यह कहना है ग्राम पंचायत दामापुर के रहवासियों का। खबर है मुंगेली जिला के दामापुर ग्राम पंचायत स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का, जहां पर प्रधान पाठक और महिला स्व सहायता समूह की मिलीभगत की वजह से बच्चों के हक के खाने पर डाका डाला जा रहा है। आपको बता दें कि दो वर्षों के लंबे अंतराल के बाद खुले स्कूलों में अव्यवस्था और लापरवाही वर्षों पुरानी ही देखी जा रही है। भोले भाले बच्चों के पोषक आहार में कमी उनकी शिक्षा पर भी खासा असर डाल रहा है। ग्राम पंचायत दामापुर के रहवासियों ने प्रधान पाठक और महिला स्व सहायता समूह पर आरोप लगाया है। इस स्कूल में भोले भाले बच्चों के साथ शिक्षकों द्वारा खिलवाड़ सा किया जाना देखा जा रहा है। एक तो शिक्षकों की लेट लतीफी और वहीं छोटे मोटे और सरल सवाल पूछने पर भी बच्चों के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। शायद इस स्कूल के बच्चों का शिक्षकों से पाला पड़ा ही नहीं, और पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ स्कूली ड्रेस पहनकर बस्ते में कापी पुस्तक के साथ थाली लेकर स्कूल जाना, खेलना कूदना और पोषक आहार के नाम पर दाल भात या सब्जी भात मात्र खाना है। और शायद यही वजह है कि इन मासूम बच्चों को पढ़ाई का मतलब ही नहीं पता। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? व्यवस्था, लापरवाह अधिकारी, कर्मचारी, या फिर जिम्मेदारियों के बोझ से दबे बच्चों के अभिभावक, या फिर स्वयं मासूम बच्चे? विचार करिए और जवाब मिल जाए तो सुधार की फरियाद। मुगेली से पोखराज खांडे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। कांग्रेस और भाजपा से दो तीन लोग हैं, बीजेपी से भी दो लोग दावेदारी किए हुए हैं, और वो बीजेपी का विषय है कि वो किसको चयन करते हैं। और कांग्रेस से हम लोग भी दो तीन लोगों ने दावेदारी किया है, अब पार्टी का जो हाईकमान है वो तय करेगा कि कौन लड़ेगा उसको।